डेली स्पोर्ट्स न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन एक वीडियो स्पोर्ट्स की, खेल की मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है दोस्तों। जो हमारे जो जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें जो हमारे जो बॉलर्स हैं वो थके हुए लग रहे हैं, और विकेट तो गिरी है दोस्तों, पर वही बात है कि रन भी तेज़ी से बन रहे हैं, ढीली गेंदबाजी हो रही है, जिसके कारण जो मैंने कल ही कहा था और जो बात मैं कल ही कहा था वही लगती लग रही है। इंडियन टीम जो रन रोकने चाहिए थे वो रुके नहीं है, और जिसके कारण उनका जो रन रेट है वो आगे बढ़ रहा है और उनके रन तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। और उसके साथ ही हमारे जो और जो पिच जो लग रही है वो उसमें ऐसा बाउंस है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये पिच में इतना आसान नहीं होगा ड्रॉ करवाना, और देखते हैं क्या होता है। और जो कह सकते हैं कि ये टेस्ट मैच, अब बारिश की संभावना इसमें इस टेस्ट मैच में है, तो एक हिसाब से इंडियन टीम के लिए ड्रॉ ही सबसे उपयुक्त टारगेट होगा कि हमें ड्रॉ करवाना है। पर ड्रॉ के लिए भी बैट्समैन चाहिए और वो जिगरा चाहिए, जो होना चाहिए वो तो है, पर पिच बहुत ही अलग किस्म की, जो पिछले टेस्ट मैच की जो पिच थी उससे बिल्कुल डिफरेंस, क्रैक्स आए हुए हैं और पिच फट सी रही है, जिसके कारण उनको बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसमें अभी स्मिथ आउट हो गए हैं 55 रन बना करके, और उनकी जो उनका जो जो पूरे रन है वो 260 से ऊपर हो गए हैं, मतलब जो लीड लगा के 260 रन हो गए हैं, तो इंडियन टीम के लिए इतना अच्छी साइन नहीं है। और अभी तो पूरा एक सत्र बाकी है, तो उसमें भी वो रन बनाएंगे और वो आज ही इंडियन टीम को खेलने के लिए देंगे। इनमें इन 20-25 ओवरों में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। 350 का टोटल वो सोचेंगे कि 350 रन उपयुक्त होंगे, और 350 रन उपयुक्त हो भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पिच है ये, इसमें इतना आसान नहीं होगा रन बनाना, और विकेट भी जाएंगी दोस्तों, क्योंकि जब आदमी दो माइंड में होता है तो कभी ऊपर रहती है कभी नीचे रहती है, तो उससे बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखते हैं, आई होप कि हमारे बल्लेबाज ध्यान से बैटिंग करेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, पर अभी रेन और जो रेन की फोरकास्ट लगी हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम बारिश में चला जाए, तो अब तो टाइम निकालना है टीम इंडिया को, चाहे बारिश निकाले चाहे कैसे भी करके इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाएं, क्योंकि जीतने की संभावना बहुत ही कम है। और कह सकते हैं कि इंडियन टीम के लिए बहुत ही खतरे की घंटी बज गई है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं आपके लिए, और जो है अगले हमारी वीडियो आती रहेंगी, आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाएँ।